नमस्कार, मैं सर प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल HN अध्ययन पे। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024-25 क्या कुछ नियम बदलेंगे? अब आपको नए साल में, आने वाले साल में क्या तैयारियां करनी होगी या क्या अभी आपको देखने की ज़रूरत है कि कुछ एलिजिबिलिटी है या बहुत सारे नए बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या नेट एग्ज़ाम के लिए साल से लगना शुरू कर दिए हैं, उन सभी के लिए आप सबके कई बार कई तरह के क्वेश्चन स्पीच में आप मुझसे पूछ रहे थे। मैंने सोचा सभी को एक वीडियो में आपसे उस बात पर डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो वन बाई वन जो भी प्रश्न है उसका मैं आपको बताते चलूँगी। सबसे पहले प्रश्न, कब बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, कब बनते हैं या कब बन सकते हैं? दो तरह का इसमें क्वेश्चन होता है, एक तो एज क्या हो सकती है, ठीक है, दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हम दोनों हिसाब से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले एज, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सामान्यता कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। UGC की गाइडलाइन के हिसाब से आपने जो बेसिक एजुकेशन है, जो एसेंशियल एजुकेशन है, वो आपने क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। यूनिवर्सिटी का जो सीट है, वैकेंसी है, वहाँ पर भी कमीशन्स की वैकेंसी है, वहाँ पर भी ज़्यादातर जो कमीशन्स हैं उन्होंने भी UGC के इस नियमावली के साथ सहमति रखी है। कुछ हैं ऐसे, जैसे आपका UPGDC हम जानते हैं, ठीक है, UPGDC में भी ये एज लिमिटेशन अभी है, ठीक। क्या है, मिनिमम जो है वो 21 साल है और मैक्सिमम है 40। इसमें भी कुछ कंडीशन में आपको छूट मिलती है, लेकिन समानता GDC की, UPGDC की मैं बात कर रही हूँ, इसमें अभी ये है। बाकी सब जगह, मैक्सिमम जगहों पर अभी एज की कोई बाउंडेशन या बाध्यता नहीं है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। दूसरी हो गई क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी। क्वालिफिकेशन के लिए आपने PG कर लिया है, ठीक। PG करने के बाद PG भी 55% का डिमांड है, 55% साथ PG कर लिया है और उसके बाद आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो सेम उसी सब्जेक्ट से जिसमें आपका PG है, ठीक। ये दोनों होना चाहिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो एज ए एकेडमिक रूप से। उसमें भी UGC का एक क्लॉज है कि वो कहता है कि जिस सब्जेक्ट में नेट नहीं होता है, ऐसे कई सारे विषय हैं जिसमें नेट नहीं होता है, उन विषय में डायरेक्ट PG के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। ये UGC आपके सब्जेक्ट पे निर्धारित करता है। सामान्यतः आप अपने सब्जेक्ट में PG हो और उसके साथ नेट क्वालिफाई हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक। अब आते हैं अगले पे, क्या है योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, सामान्यतः क्या योग्यता है। एजुकेशनल रूप से यही योग्यता है कि आप 55% नंबर के साथ, और ये 55% नंबर जो है PG में, इसमें भी कुछ कंडीशंस में छूट है, जैसे कैटेगरी में छूट है, 5% तक की छूट वहाँ मिल जाती है आपको, ठीक है। उस 55% है, उसके बाद आप नेट क्वालिफाई करोगे, ज़रूरी है। बिना नेट किए आज के डेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। अब जो बेसिक और मिनिमम क्वालिफिकेशन है UGC के गाइडलाइन के हिसाब से, आपका नेट बहुत ज़रूरी है, वही कंडीशन में छूट है। यदि उस सब्जेक्ट से UGC नेट करवाती ही नहीं है तो आपको उस कंडीशन में छूट मिल सकती है। तो योग्यता क्या है, सामान्यतः एकेडमिक्स रूप से आप एकदम मिनिमम, अगर आप PG हो और नेट हो तो आप दे सकते हो, उसके अलावा प्लस आपका API अच्छा है, अन्य क्वालिफिकेशन है वो तो प्लस है, लेकिन इतना जो है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आपको फॉर्म अप्लाई करने से कोई मना नहीं कर सकता है, उसके बाद आप रिटर्न दे रहे हो, क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, आपका इंटरव्यू है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला है, नेट ZRF निकालना ज़रूरी है या नहीं। नेट ZRF निकालना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो ये बात एकदम साफ है, और अगर गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, चाहे वो UGC की या यूनिवर्सिटी में हो या किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन में, अगर यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट तो बिल्कुल ही अनिवार्य है, नेट इज़ एसेंशियल। ZRF कोई अनिवार्य नहीं है, ZRF होना ज़रूरी नहीं है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ZRF एक फेलोशिप है,
हाँ, ज़ियारत होने से आपका एपीआई में थोड़ा सा नंबर आपको ज़्यादा मिल जाता है अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। यूनिवर्सिटी में अगर आप नेट हो तो आपको 5 नंबर मिलता है, आप ज़ियारत हो तो आपको 7 नंबर मिलता है, ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन ज़ियारत होना कहीं भी बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी नहीं है, नेट होना बहुत कंपल्सरी है। मतलब बिना नेट के आप सरकारी तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, प्राइवेट कॉलेज अभी भी पढ़ाने को दे रहे हैं। ठीक, अगला है पीएचडी के बिना बन सकते हैं या नहीं, पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है कि सामान्यतः तो पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई ज़रूरी क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अगर यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से चलें तो पीएचडी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, इससे आपका एपीआई जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो बहुत ज़रूरी नहीं है, एकेडमिक्स रूप से एसोसिएट क्वालिफिकेशन पीएचडी नहीं है, छूट है लेकिन कुछ लोगों के साथ जो 2009 है रेगुलेशन के हिसाब से जिनकी पीएचडी चल रही है उनके लिए पीएचडी होना ज़रूरी है, वो नेट ना भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत पुराने हैं, हो सकता है, लेकिन अब चूंकि एज बाउंडेशन नहीं है तो ऐसे लोग अभी भी अप्लाई कर रहे हों, लेकिन सामान्यतः पीएचडी उन्हीं लोग के लिए होना ज़रूरी है जो 2009 के रेगुलेशन के साथ पीएचडी कर रहे हैं, नेट नहीं क्वालिफाई हैं, अदरवाइज पीएचडी होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन एपीआई अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो पीएचडी के अच्छे खासे मार्क्स हैं, पीएचडी के 30 मार्क्स हैं सामान्यतः, यूनिवर्सिटी एपीआई में पीएचडी को 30 नंबर देती है आपके स्क्रीनिंग के लिए। तो ऐसे जगहों पे अगर आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पीएचडी एकेडमिक्स रूप से ज़रूरी ना होते हुए भी एक ज़रूरत तो बनी गई है, अदरवाइज आपको इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे रिटेन एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पीएचडी हो, लेकिन फिर भी आप नेट हैं, ज़ियारत कर है, उसके बाद आपको अगर यदि अभी कोई वैकेंसी में नहीं बैठ रहे हैं या नहीं बैठना है तो आप पीएचडी ज़रूर कर लें, ये भी मेरा सलाह है। उसके बाद है कितनी होती है सैलरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी होती है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के सैलरी पे प्रॉपर अच्छा खासा वीडियो बनाया है, काउंट कैलकुलेशन के साथ बनाया है। एक मोटा मोटा रूप में कहूँ तो आज की डेट में यदि आप फर्स्ट इन पूरे कंप्लीट सैलरी की बात करें तो वो 1 लाख के आसपास आराम से है। ठीक है, अगर आप तुरंत फ्रेश जॉब कर रहे हो, आपकी पहली सैलरी जो है वो अप्रॉक्स इतनी बनती है। पूरा कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, और एक बड़ा सवाल इस समय ये है कि क्या बिना सेटिंग के नहीं बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, ये ऐसा सवाल है जिसका कोई अलग से जवाब नहीं दिया जा सकता, ये आपकी अपनी बुद्धि पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस तरह के सवाल करते हैं और एक दूसरे को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, पहले ही डिमोरलाइज कर देते हैं कि भाई जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें तो बहुत सेटिंग चलती है, आप क्या ही तैयारी करोगे। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता, इसकी तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। मसलन आप UPSC दे रहे हो तो आपने रिटेन में अच्छे नंबर कर लिए हैं, रिटेन में अगर आपका अच्छा नंबर है तो हम जानते हैं UPSC रिटेन प्लस इंटरव्यू, ठीक है, ये दोनों के साथ आपका नंबर देता है, आपके रिटेन के भी नंबर काउंट होते हैं और इंटरव्यू के भी नंबर काउंट होते हैं। तो आपने रिटेन में अपनी बुद्धिमत्ता से इतना ज़्यादा कर लिया है कि इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर कहाँ आ गई इसमें सेटिंग, क्या ज़रूरत पड़ गई। दूसरा, अब तो यूनिवर्सिटीज में भी काफ़ी सारी जो वैकेंसी आ रही है, यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया है, मैंने खुद देखा है कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और उसके पेपर अच्छे होते हैं, जिसको भी क्वालिफाई करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं वो एंट्रेंस से ही छट जाते हैं। आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस रेस में तो पहुँचो जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसको लोग एक दूसरे को भटकाते हैं, तुम्हें तैयारी से इधर उधर विमुख कर रहे हैं, तुम उस रेस में ही नहीं दौड़ रहे हो ये सोच करके कि क्या पहले से सेटिंग हो रही है। अरे उस रेस में दौड़ो, जब उतरोगे तो खुद दिखाई पड़ेगा कि क्या कहाँ कहाँ से आपका रास्ता खुद खुल जाता है। ठीक है, तो इन सब चक्करों पर ना पड़े, आपकी तैयारी अगर अच्छी है
तो आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है, आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? तो बस तैयारी पे फोकस रखो, पढ़ाई करते रहो, ठीक? और आपकी तैयारी करने के लिए HN अध्ययन आपके साथ हमेशा है। HN अध्ययन आप जानते हैं, हाँ, HN अध्ययन एप्लीकेशन हूँ, HN अध्ययन हमारा चैनल हूँ, HN अध्ययन टेलीग्राम हमारा जो चैनल है, हम सब जगह आपको गाइड करते हैं, आपको बताते भी हैं, आपको समझाते हैं, और HN अध्ययन पर तो हम आपको पूरा पूरा क्लास पढ़ाते भी हैं। आपकी तैयारी में कोई भी व्यवधान नहीं आएगा, आपके गाइडेंस से लेकर के, आपकी तैयारी से लेकर के, आपकी प्रैक्टिस से लेकर के, सारा सॉल्यूशन आपको हमारे एक जगह मिल रहा है, वो है हमारा HN अध्ययन। HN अध्ययन का ऐप जो कि ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छे से रनिंग है, आपकी मदद करने के लिए तत्पर है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे डाउनलोड करने में या फिर आपके कोर्सेज में, उसके लिए आप हमसे, हमारे जो HN अध्ययन जो हमारा YouTube चैनल है उसके भी, उसको भी देखते रहिए, हमें वहाँ लगातार अपडेट करते रहते हैं, टेलीग्राम चैनल भी देखते रहिए, और हमारा WhatsApp नंबर तो अब आप सबके पास है ही, ठीक है? तो कुल मिला के सब इतना है कि किसी भी कन्फ्यूज़न में ना रहिए, आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आप बस पढ़ाई करिए, ठीक है? HN अध्ययन आपके साथ है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, शुक्रिया।